फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हूँ, एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने वाली हूँ जिस पर अभी तक 9.2 यानी कि 9.2 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। वो वीडियो एक इस तरह की वीडियो है जिसको देखना तो बनता ही है। मुझे काफ़ी दिनों से रिकमेंडेशन आ रही थी कि इस वीडियो पर रिएक्शन बनाओ, इस वीडियो पर रिप्लाई करो, तो आज मैं आप लोग के सामने आपकी मन की बात लेकर हाजिर हूँ। मैं उस वीडियो पर आज रिएक्शन देने वाली हूँ, अपने रिप्लाइज देने वाली हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, मॉन ज्वाइन विद मी, आज आप लोग मिलके उस वीडियो को रिप्लाई करने वाले हैं, अपने रिएक्शन देने वाले हैं। तो अपने हेडफोन्स तैयार कर लीजिए, मैंने भी कर लिए, बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैंने अपने कैमरे को जूम इन कर लिया है ताकि आप मेरे रिएक्शंस को, मेरे रिप्लाइज को अच्छे से देख सके, सुन सके। साथ ही साथ मैंने अपने हेडफोन्स पहन लिए हैं ताकि इसमें जो कुछ बातें वो बाहर ना आए। मैं, जैसे कि आप लोग पता है, फैमिली के साथ रहती हूँ तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती फैमिली के आगे। और सेकंड बात ये कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो एकदम कंट्रोवर्सी का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जिसके वजह से इन क्रिएटर को अपने कमेंट सेक्शन बंद करने पड़े। शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, मेरे आसपास ये एक निवेदन है कि आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी ये बातें पता चले कि वीडियो में आखिर बातें क्या कही गई हैं और क्या नहीं कही गई हैं, एग्जैक्ट बात क्या कही गई है वीडियो में। बस मेन मुद्दा यही है मेरा, आप लोगों के सामने सच रखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे हुए। मैं अपनी वीडियो देखूंगी अपने स्क्रीन पे, आपको मैं वीडियो यहाँ पे लगा के दे दूंगी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होती है इनके एक बड़े ही, मतलब है कि नेपाल जैसे सेक्स फ्री कंट्री टाइप का है। मैडम, क्या यहाँ की लड़कियाँ जो है किसी के भी साथ जो है सोने के लिए तैयार हो जाती हैं? डिस्क्लेमर भी है दोस्तों, और ये बहुत ही एक दुख भरे गाने के साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है। वीडियो स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग वीडियो यही है। साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। साथियों, मैं विनय कुमार। साथियों, आज मैं फिर हिमालय में हूं और हिमालय की घाटी में जो लोग हैं, लोगों को देखने के लिए, लोगों को जानने के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोगों की यहां के कल्चर के लिए, उनके रहन सहन, उनके जीवन में क्या क्या, किस प्रकार की हलचलें हैं, किस प्रकार लोग यहाँ पहाड़ों में बसते हैं, रहते हैं, तो ऐसे नेपालियों को देखने के लिए मैं आया हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी वीडियो इतनी चल चुकी है, कुछ खास नहीं वीडियो। और हमने सोचा कि चलो कम से कम हिमालय में इनका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हमारे वीडियो में, तो फिलहाल अभी आज का दिन संडे का दिन है। तो साथियों, आपने मुझे प्यार दिया, अच्छा लगा, दुलार दिया, अच्छा लगा। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं पीछे पहाड़ है, हिमालय है, और इधर जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इतनी ऊंचाई पर आया हूँ। गर्मी में जितनी ऊंचाई पर आप जाते हैं उतना ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा मुझे महसूस यहाँ आने पर हो रहा है। दूसरी बात, गर्मी भी बहुत काफ़ी है। यहाँ गेट पर ही लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर आप तोड़फोड़ करते हैं, स्कूल को क्षतिग्रस्त करने का काम करते हैं, तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से आपके साथ पेश आया जाएगा। तो स्कूल को ये सरकार इतना महत्व देती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर से वही लोग यहाँ पर जो है पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं। एक नेपाली महिला भी जो है कि यहाँ खड़ी हैं, और यहाँ का जनजीवन कुछ अलग है, यहाँ का कल्चर भी अलग है। देख सकते हैं सभी प्रकार की सुविधाएं ये लोग नेपाल सरकार की मदद से या स्वतः जो है कि पैदा करके रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना है कि जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया का कल्चर जो है थोड़ा से दूसरे ढंग का है। वहाँ पर लड़की लड़का कहीं भी एक साथ न खड़े हो सकते हैं, न वार्ता कर पाते हैं,
लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होता है, नेपाल में ऐसा नहीं है, नहीं। तो जो लड़का लड़की जिधर भी रहे एक ही क्लास में पढ़ते हाँ, तो ऐसा नहीं होता तो है। इसका मतलब है कि नेपाल जैसे सेक्स फ्री कंट्री टाइप का है। अच्छा अच्छा, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, कहीं की बातें कहीं कर दी, दूसरा दूसरा क्लास में भी नहीं करते, एक ही क्लास में पढ़ सकता है। अच्छा, कहीं भी आ सकते हैं एक साथ, अच्छा अच्छा। एक चीज आपसे पूछना है कि जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया का कल्चर जो है थोड़ा से दूसरे ढंग का है, वहाँ पर लड़की लड़का कहीं भी एक साथ न खड़े हो सकते हैं, न वार्ता कर पाते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं होता है, नेपाल में ऐसा नहीं है। तो लड़का लड़की जिधर भी रहे एक ही क्लास में पढ़ते हाँ, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि नेपाल जैसे सेक्स फ्री कंट्री टाइप का है। अच्छा अच्छा, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, बहुत खूबसूरत। दूसरा दूसरा क्लास में भी नहीं करते, एक ही क्लास में पढ़ सकता है। अच्छा, कहीं भी आ सकते हैं, लड़का लड़की हो एक ही क्लास में पढ़ सकता है, जितना एज है उतना एज का क्लास होता है। अच्छा अच्छा, और कहीं भी एक साथ रह सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई माँ बाप भी नहीं बोलते हैं, परिवार के लोग रह सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे क्या बातें हुई है, कहाँ पे क्या बातें नहीं हुई है, बाकी अभी समझदार हैं ही, इन्होंने कहाँ पे क्या कॉपी पेस्ट करके लगाया है, कहाँ पे क्या एडिट करा है, सब कुछ बातें आपके सामने क्लियर है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आगे की वीडियो, बच्चे की वीडियो देखती हूँ, बाकी आपके लिए ही मैं वीडियो देख रही हूँ, इतना बड़ा जोखिम उठा रही हूँ। मुझे वीडियो नहीं देखनी है पर मुझे रिएक्शन देना है, तो मुझे वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, तो मैं अकेले क्यों देखूँ, आप भी देखिए, आप भी ये जोखिम लीजिए, मैं अकेले क्यों देखूँ, आइए आप भी देखिए वीडियो, स्टार्ट कर रही हूँ मैं वीडियो, देख लो, कहीं जाना मत स्किप करके। सो दोस्तों, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आखिर वीडियो में आगे क्या है क्या नहीं है। बाकी मुझे तो कुछ खास मिला नहीं है इस वीडियो में अभी तक, सिर्फ वही चीज़ को जो हाईलाइट किया गया है, ये है, ये है, बस एक ही वर्ड को तीन चार बार घुसा दिया है। बाकी देखते हैं वीडियो में ऐसा क्या खास है जो 9.2 मिलियन व्यू ये ग्रैब कर चुका है और आगे भी कर ही रहा है, व्यूज़ बढ़ ही रहे। स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अच्छा, बगल में, अच्छा अच्छा, तो आप लोग जैसे क्या काम करते हैं? लेडीज से इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, खेती किसानी। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा। अगेन वही म्यूजिक। खास बात यह है कि सेक्स फ्री कंट्री है, यहाँ पर कोई भी लड़का कोई भी लड़की, इंडिया का नहीं नेपाली, एक साथ रह सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, इनको ज्यादा पता है, कोई रोकने बोलने वाला नहीं है। आपने देखा महिला को पाल है, आइए थोड़ा से मैं इनके घर को भी एक्सप्लोर करता हूं। टाइम वेस्ट कर दिए वीडियो पे रिएक्शन देके, कुछ खास नहीं इस वीडियो में, करके ये लोग रखे हैं क्या नाम है, लकड़ी का गट्ठर है, और अपने जीवन को चलाने के लिए यहाँ कोई मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। लोग यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष जो है काम करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे दरबा टाइप बनाए गए हैं, यहाँ मुर्गी पालन भी होता है, इसमें मुर्गी पालन होता है, और देख सकते हैं यहाँ दरबा बनाए गए हैं, दरबा जिसको बोलते हैं, यहाँ भी मुर्गी रखे जाते हैं, साथ ही साथ बकरी पालन भी किया जाता है। और आप हैरान हो जाएंगे, बहुत बड़ा नहीं है ये छोटा सा एक झोपड़ी है जहाँ पर बकरी पालन वगैरह किया जाता है। और साथियों, गर्मी काफ़ी हो रही है क्योंकि ऊँचाई पर आने पर थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो बकरी पालन से ये 2 लाख रुपए जो है प्रत्येक साल नेपाली मुद्रा कमा लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऐसा यहाँ के लोगों का अपना रहन सहन है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, और कुछ खास बातें नहीं है वीडियो में, सिर्फ यही बातें हैं कि ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, बस यही 4-5 बार यही वर्ड यूज़ करे गए हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस अट्रैक्ट होके आई है, इनके थंबनेल देख के अट्रैक्ट होके आई हैं, और इनको आज 9.2 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं और व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी आपने देखा कि कहाँ पे इन्होंने कैसी बातें करी हैं, वो जो लेडी थी उन्होंने क्या बातें कही हैं और उन्होंने क्या रिप्लाई करा है, आपको अच्छे से पता है इन्होंने क्या चीज़ कहाँ पे कौन सी क्लिप उड़ाई है, बीच में कट भी आप देख सकते हैं, ऑडियो में भी इन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ करा है। दोस्तों, मेरा तो बस इनसे यही आग्रह था कि आपने जो ये बातें कही हैं, उन्होंने जो लेडी ने बातें कही हैं, आपने उनकी बातों को कुछ चोरी कह दिया, वो समझ भी नहीं पा रही आप कौन सा वर्ड कह रहे हैं, वो तो समझ भी नहीं पा रही हैं, और वो तो स्कूल के बारे में बातें कर रही है कि हाँ सेम एज ग्रुप के लोग पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं, आ जा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है,
लड़का लड़की खड़े भी नहीं हो सकते तो पढ़ते कैसे होंगे। तो उन्होंने बस वही रिप्लाई करते हुए कहा कि नहीं यहाँ पे सेम एज ग्रुप के लोग पढ़ सकते हैं, साथ में रह सकते, कोई कुछ नहीं कहता। बस यही बातें थी, कुछ खास बातें नहीं है, बहुत बड़ा इसका इशू बनाने की बातें भी नहीं है। बस उनको आपने एक ऐसे वर्ड कह दिया वो समझ नहीं पाए। अब यार वो गांव की लेडी है, आपने खुद कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, तो मैं उनसे कुछ बातें पूछने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, तो उन्हें तो पता ही नहीं है ना ये वर्ड क्या है। तो आपने ये वर्ड वहाँ पे बोल दिया, तो वो तो अपनी बातें कर रही थी स्कूल के बारे में, तो उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। तो और क्या ही बोल सकते हैं, लोगों ने देख लिए हैं क्या कहाँ पर क्या चीज़ें कही गई हैं। लोगों को भी यही मैसेज है कि इतना इनको वो मत दीजिए, इतनी रीच मत दीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है करी इन्होंने इसमें कि इनको 9.2 मिलियन व्यूज़ मिले। इन्होंने जो चीज़ें करने की कोशिश करी है वो उससे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की लाइक समझ रहे हैं ना, लोग सिर्फ बुराई देते हैं सब चीज़ें करने से। तो इन क्रिएटर को बस यही रिप्लाई था कि आगे से चीज़ें ना करें तो ही बढ़िया रहेगा आपको, ये सब चीज़ें बस कुछ टाइम के लिए ही आपको रीच दे सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये रीच नहीं दे सकती है। आप अपनी छवियों खुद ही ख़राब कर रहे हैं, अपने चैनल को खुद ही ख़राब करेंगे। तो बस आपसे यही एक हमारा रिप्लाई था आपको, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट जितने भी कंटेंट है आपको नेपाल से रिलेटेड ही बनते हैं, तो ऑब्वियसली आप नेपाली जनता को तो वो नहीं करना चाहेंगे ना, निराश नहीं करना चाहेंगे ऐसे ऐसे कॉन्टेंट बना के। तो आपको बस खुद समझ लिया, आप खुद समझदार है। यूट्यूब तो एक साल दो साल के लिए आपने स्टार्ट नहीं करा होगा, आपको सालों साल चलना होगा, लाइफ टाइम चलना होगा। तो लाइफ टाइम चलने के लिए आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना जो आपको लाइफ टाइम तक काम दे, ऐसी जनता चाहिए जो आपको लाइफ टाइम तक फॉलो करे। अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जनता कुछ टाइम पे शायद मिल जाए, कुछ टाइम के लिए एक वीडियो के लिए आपको शायद रीच मिल जाए, लेकिन बाद में आप क्या करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए सोच कर देखिए। तो बस बाकी आप समझदार हैं, बाकी जनता समझदार है, देखिए क्या सही है क्या सही नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरे रिप्लाइज अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे। और बाकी कोई सजेशन है मेरे लिए तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर भी बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।